वंस अगेन सारे बच्चे को वेलकम। बच्चे लोग, आज हम लोग द फेरी किंग्स मैजिक के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि अब तक जो है, जो तितानियाँ होती हैं उनको एक क्लाउन से, एक जो डोंकी एस हेड का जो क्लाउन होता है उनसे लगाव हो जाता है। वह क्योंकि जो पुक होता है वो ओबेरॉन के कहने पे जो मैजिकल पोर्शन होता है उनके आईलिड में डाल देता है। अब आइए आगे समझते हैं। व्हेन द फेरी किंग सॉ द क्लाउन स्लीपिंग इन द आर्म्स ऑफ हिज क्वीन, ही एडवांस्ड विद इन हर साइट एंड रिप्रोच्ड हर फॉर लैविशिंग हर फेवर्स अपॉन एन एस। अब कह रहा है कि जैसे ही ओबेरॉन ने देखा कि एक क्लाउन, एक जोकर, एक गधे का सिर वाला जोकर जो है उनकी क्वीन की बाहों में, मतलब उनकी क्वीन के साथ जो है वो सो रहा है, ही एडवांस्ड विद इन हर साइट, वो उनको अपने ही, अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी। यहाँ पे एडवांस्ड का मतलब चलो शर्मिंदगी है, उनको अपने ही जो इस दृश्य देख करके उनको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगा। एंड रिप्रोच्ड हर, और उन्होंने क्या किया, जो तितानियाँ थी उनको बहुत सारा डांटा, बहुत डांट लगाई। हर फॉर लैविसिंग हर फेवर्स अपॉन एन एस, लैविसिंग मतलब अच्छा लोग होता है किसी को कुछ ज़्यादा दिखाना, मतलब जैसे जितना ज़्यादा प्यार वो दिखा रहे थे गधे के लिए, इस चीज़ को लेकर के जो ओबेरॉन होते हैं वो तितानियों को खूब सारा डांट लगाते हैं। दिस सी कुड नॉट डिनाई एज द क्लाउन वॉज देन स्लीपिंग इन हर आर्म्स विथ हिज एस हेड क्राउन बाई हर विथ फ्लावर्स। बोल रहे हैं कि दिस सी कुड नॉट डिनाई, और वो इस बात को नकार नहीं सकी क्योंकि जो क्लाउन था वो उनकी गोदी में सोया हुआ था विथ एसिड, जो उनकी, जिसका कि सिर जो था वो गधे का था। क्राउन बाई हर विथ फ्लावर्स, और वो उनको क्यों, क्राउन मतलब होता है कि मुकुट पहना, और जिन्होंने, और तिताले ने क्या किया था, उस गधे को एक मुकुट पहना दिया था जो किसका था, फूलों का बना हुआ था। आप बच्चे लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो है तितानिया जो है एस क्लाउन जो कि एस के हेड में है, एस का सिर, क्लाउन एस का जो सिर उस पर लगाया गया है। तो आप इसको देख लिए होंगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आगे समझते हैं। When Oberon had teased her for some time, he again demanded the boy, which she, ashamed of being discovered by Oberon with her new favorite, did not dare to refuse him. अब बोलते हैं कि जब Oberon ने बहुत देर तक उनको, कुछ देर तक, for some time, कुछ देर तक उनको चिढ़ाया, और he again demanded the boy, और Oberon इतना सारा चिढ़ाने के बाद फिर से जो है उस बेबी की डिमांड करते हैं। which she, ashamed of being, और उस समय जो है तिताने को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रहा था क्योंकि Oberon, discovered मतलब होता है खोज लेना, मतलब क्या है कि Oberon ने क्या किया था, Oberon ने तितानिया को देख लिया था कि उनके पास जो है वो जो है किसके साथ अपना समय व्यतीत कर रही है, किसके साथ अपना समय स्पेंड कर रही है, एक गधे के सिर वाले इंसान के साथ, और इसलिए जो है वो एक इस बार जो है बच्चे को देने से मना नहीं कर पाए, उन्होंने उस बच्चे को दे दिया। Oberon having thus obtained the little boy he had so long wished for to be his place, अब बोल रहा है कि Oberon जो कि ये चाहते ही थे कि उस बच्चे को वो अपने पास रखे, took pity on the disgraceful situation, disgraceful मतलब होता है अच्छा नहीं होना, घृणित होता है, मतलब उनको दया आ गई इस स्थिति पे, by his merry contrivance he had brought his Titania and threw some of the juice of the other flower into her eyes and the fairy queen immediately recovered her senses. अब यहाँ पे बच्चा लोग बता, देखो मेरी का मतलब होता है लाइट हर्टेड और कॉन्ट्रीवेंस का है मतलब प्लान, कि मतलब ये जो उनका प्लान था ना, ही हैड ब्रॉट हिज तितानिया, उन्होंने क्या किया, तितानिया अपने प्लान को खत्म करने के लिए, जो उनका मैजिकल पावर था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, तितानिया की आंखों में दूसरे फ्लावर का जूस जो है वो डाल दिया। एंड द फेरी क्वीन इमिडिएटली रिकवर्ड हर सेंसेस, और तुरंत ही जो फेरी क्वीन थी, यानी जो तितानिया थी, वापस उनके सेंसेस वापस से आ गए, मतलब जो उनपे आंखों पे जो जादू था ना वो जादू खत्म हो गया और वापस से वो जो पहले वाले तितानिया यानी नॉर्मल लाइफ में वो आ चुके थे। आइए समझते हैं आगे। तितानिया नाउ वंडर्ड एट हर लेट डॉटेज सेइंग हाउ शी नाउ लोड एट द साइट ऑफ द स्ट्रेंज मॉन्स्टर। Oberon took the ass head off from the clown and left him to finish his nap with his own false head upon his shoulders. अब कह रहे हैं, देखो बच्चे लोग, डॉटेज का मतलब होता है फॉन्डनेस, मतलब शौक किसी को से अगर ज़्यादा लगा हो। तो तितानिया को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि एट हर लेट डॉटेज, डॉटेज का मतलब होता है शौक, मतलब मेंटल एबिलिटी का जो है कह सकते हो कि जो लॉस हो जाने को हम लोग डॉटेज बोलते हैं, तो अपने मेंटल एबिलिटी के जो लॉस था उस पर आश्चर्यचकित थी। सेइंग हाउ शी नॉ लोड द साइट, कितना लोड मतलब घृणित होता है, कि कितना ज़्यादा उनको मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, घृणित हो रहा था एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर को देख करके। Oberon took the ass heads off from the clown. Oberon ने क्या किया, जो क्लाउन का जो हेड था गधे वाला उसको हटा दिया क्योंकि उसने चिपका दिया था, एंड लेफ्ट हिम टू फिनिश हिज नैप। अब चूंकि वो गधा उस समय जो क्लाउन था वो सो रहा था, तो उन्होंने उसके सिर से वो जो गधे का सिर था उसको हटाया और उसको अपने ही शोल्डर पे, मतलब उसके अपने ही कंधे पे सिर रख करके उसको सोने के लिए छोड़ दिया। अपने ही कंधे पे मतलब चलो जिससे हम लोग क्या होता है ना, सोते रहते हैं और कंधा जो ऐसे झुका देते हैं, तो इन द सेम जो है उसको उसके हाल पे छोड़ दिया उस क्लाउन को और सोने के, और उसको उसी हाल में छोड़ करके वो लोग वहाँ से चले गए। तो आई होप चलो कि आपको जो है ये लेसन समझ में आ गया होगा, जो जिस लेसन का नाम था द फेरी किंग्स मैजिक, जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो जो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, डाउट वगैरह है, आप पूछ सकते हो।
और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक सारे बच्चे को हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, खूब सारा पढ़िए, खूब सारा खेलिए।